हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, यूपी ट्रिपल एससी से 2 दिन से कोई मुझे ऑथेंटिक न्यूज नहीं मिल रही थी। तो आप लोगों ने ये चीज नोटिस की होगी कि 2 दिन से वीडियो कोई भी न्यूज की वीडियो नहीं आई है। तो रीजन यही है कि जब तक कोई पक्की खबर नहीं मिलती है दोस्तों, वीडियो नहीं बनाता हूँ। कहीं ना कहीं कोई ना कोई जानकारी रोज मिल जाती है तो रोज ही वीडियो आ जाती है, वरना वीडियो नहीं आती है। लेकिन आज यूपी ट्रिपल एससी तरफ से पूरी ऑथेंटिक न्यूज पेपर के माध्यम से सारी जानकारी देने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में जो भी जानकारी मिलेगी सभी पूरी तरीके से ऑथेंटिक और विद प्रूफ आपको मिलने वाली है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। 4 से 5 मिनट में वीडियो को सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक थम्स अप कीजिएगा ताकि आगे भी ऐसी जानकारी आप तक लाता रहूं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम जल्द ही कंडक्ट होने वाला है दोस्तों। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद इसके लिए आवेदन शुरू हो जाएगा। आपको प्रिपरेशन अभी से शुरू कर देना चाहिए बेसिक लेवल की तैयारी के लिए दोस्तों। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम 2020 के लिए बीटॉप की तरफ से बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स तैयार किया। इसमें बेसिक लेवल की नॉलेज दी गई है दोस्तों। इसमें 4000 प्लस क्वेश्चन आंसर दिया गया है। स्पेशली पीटी लेवल के सिलेबस को पूरा कंप्लीट किया गया है। प्रैक्टिस सेट है, सॉल्यूशन है, 50 प्लस वीडियो क्लासेस है, हिंदी, जीके, ग्राम, समाज, समान ज्ञान, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर के सभी लेटेस्ट क्वेश्चन डाले गए हैं विद शॉर्ट ट्रिक डाले गए हैं। और इतना नहीं, सिर्फ पीटी के लिए, पीटी के बाद जो राजेश लेपाल स्टेनोग्राफर और चकवंदी लेपाल की वैकेंसी है उसके भी सिलेबस कवर किए गए यहां पर। कीमत मात्र 99 रुपीज रखी गई। जी हां, मात्र 99 रुपए में बहुत कम किफायती दाम में एक क्रैश कोर्स अभी दिया जा रहा है। तो लिंक इस क्रैश कोर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी करने वाले छात्र हैं तो इस क्रैश कोर्स को जरूर आप लोग बाय करें। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से इसको खरीद सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लिंक नीचे है, चेक कर सकते हैं आप लोग जाके। दोस्तों आते हैं खबर पर। दोस्तों आयोग ने रिजल्ट पर शुरू किया है मंथन। न्यूज़पेपर के माध्यम से पूरी जानकारी मिली है। तो आइए चलते हैं न्यूज़पेपर में दोस्तों, देख सकते हैं ये हिंदुस्तान लाइव का न्यूज़पेपर की कटिंग है। भर्ती आप लोग आज के पेपर में ही देख सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया पूरी करने पर दिया जा रहा है ध्यान, ऑनलाइन का सहारा। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ऑनलाइन के सहारे लॉकडाउन में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सहारे समीक्षा बैठकों का दौरा शुरू हो गया है। जी हाँ, ऑनलाइन यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग बुलाई जा रही है आयोग के अध्यक्ष के द्वारा, और घर बैठे ही मीटिंग की जा रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा कदम है क्योंकि ऐसे में हमारे काम भी नहीं रुकेंगे, आयोग से जल्दी सारी जानकारी मिलेगी। देख सकते हैं आप लोग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही है। इन बैठकों के सहारे भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट जारी करने पर विचार किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के बाद लॉकडाउन होते ही आयोग ने सभी प्रक्रियाएं रोक दी। भर्ती परीक्षा परिणाम यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है, पर काम शुरू कर दिया है जिससे इस बीच रिजल्ट जारी कर दिया जाए और इसके समाप्त होने के बाद भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। आयोग के अध्यक्ष के साथ सभी 6 सदस्य, सचिव, परीक्षक नियंत्रक और वित्त नियंत्रक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया और उसकी प्रगति पर चर्चाएं कर रहे हैं। इसमें भर्ती परीक्षाओं की स्थिति और उसके परिणाम को देखा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर आपको मैं बताऊं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने रिजल्ट पर निकालने पर शुरू किया है मंथन, पहले हो चुके हैं परीक्षाओं के काम में तेजी लाने की कोशिश। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी यहां पर घर बैठे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष और जो और 6 मुख्य सदस्य हैं उनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो हमारे रिजल्ट पेंडिंग है उनपे विचार हो रहा है, उनपे बातचीत चल रही है और नए वैकेंसीज पे बात चल रही है। दोस्तों ऐसी भी सूचना मिल रही है कि आपका लॉकडाउन 14 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा, तो यानी कि आपके अगले वीक में एक रिजल्ट और एक भर्ती परिणाम देखने को मिल सकता है। भर्ती परिणाम हो सकता है चकबंदी लेखपाल का है या फिर पीईटी का है। आप लोग थोड़ा सा सब्र रख के प्रिपरेशन स्टार्ट रखें, रिजल्ट जल्दी जारी होने वाला है। दोस्तों जो भी जानकारी मिली है न्यूज़पेपर के माध्यम से मिली है तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। और भी कोई जानकारी चाहिए किसी भर्ती के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए। और जो मैंने क्रैश कोर्स रेकमेंड किया है पीईटी के लिए, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से इसको बाय कर सकते हैं और बेसिक लेवल की तैयारी शुरू कर दें, उसी में आपका फायदा है। दोस्तों थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक ले स्टे ट्यून्ड।